Now, the next point is the location of an element in the array is identified by the double subscript. The first subscript denotes the row and the second element denotes the column to which the element belongs. Thus, Aij denotes the element in the ith row and jth column. तो ये है कि जब हम किसी एलिमेंट को हमने लिखा होता है कोई एलिमेंट मैट्रिक्स में, तो उसको हमने डिनोट करना है कि भाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो वो हम इस तरीके से उसको बता सकते हैं। इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट चीज और जो आपने नोट करनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. And read as, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, m by n matrix or simply m cross n matrix. Matrix ले लेते हैं, let matrix A is equal to 10, 4, 9, 3, 5, 2. तो ये हमारे पास आ गई, ये सारा फर्स्ट रो, ये आ गई सेकंड रो, और ये आ गई थर्ड रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तीन, और हम मैट्रिक्स में रो किससे लेते हैं, एम से। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एम जो है वो कितना है, थ्री। तो लिख लेंगे हेयर एम इज इक्वल टू थ्री। अब इसको देखिए आप, अब मैं इस तरीके से लूंगा वर्टिकली, पहले मैंने हॉरिजॉन्टली लिया, अब ये वर्टिकली ले लिया, तो ये हो गया कॉलम फर्स्ट और ये हो गया कॉलम सेकंड। तो कॉलम हम किससे लेते हैं, n columns, n से। तो यहां पर क्या आ गया, n इक्वल टू टू। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या हो गया, जरा सोचिए। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 3 cross 2, 3 cross 2। और हमें अगर इसको मैट्रिक्स के साथ लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं 3 cross 2। इसका मतलब हो गया तीन इसमें रो है और दो इसमें कॉलम है। तो टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना हो गया, 3 × 2 = 6। तो इससे हमें क्या हो गया, क्या चीज मिल गई कि हम मैट्रिक्स में चीजों को कैसे लिखते हैं और उसके अंदर जो उसकी एंट्रीज हैं उनको हम कैसे बताते हैं। ये फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये थर्ड रो आ गई, और जहां पर एम तीन है, एन टू है, कॉलम दो है, तो इसका ऑर्डर हो गया 6। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें कोई मैट्रिक्स बनानी है,
इन जनरल उसको हम कैसे लिखेंगे? तो इन जनरल हम क्या करते हैं, लिख लीजिए यहां पर ए वन वन, जैसे मैंने यहां पर लिखा है द ए आई जे डिनोट्स द एलिमेंट इन द आईथ रो एंड जेथ का, मींस आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम। तो यहां पर ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने उसके लिए लिखा है ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। तो ए वन वन क्या कह बताता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए वन वन यहां पर क्या है, हियर ए वन वन इक्वल टू टेन, ए वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है इसमें ये सेकंड कॉलम है। तो ये आ गया ए वन टू, आ गया हमारे पास फोर। सिमिलरली ए टू वन, ए टू वन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नाइन, ए टू टू सेकंड रो सेकंड कॉलम थ्री, ए थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू फाइव, ए थ्री टू थर्ड रो सेकंड कॉलम इक्वल टू टू। तो एक बार फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि ये हमें कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो इसकी मदद से, ये जनरलाइजेशन है कि कोई मैट्रिक्स हमें दी है किस ऑर्डर की हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम ये इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे ए वन वन, ए वन टू, अगर आगे हमने थर्ड ऑर्डर की लेनी होगी जिसमें रो तीन है तो ए वन थ्री हो जाएगा, ऐसे ही ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री हो जाएगा, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री हो जाएगा। तो ये थर्ड रो और तीन कॉलम हो जाएंगे, तीन रो होंगी और तीन कॉलम इस तरीके से अगर होंगे तो